अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को अब तक जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं वो आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ चुके होंगे। अभी कल के लेक्चर में कुछ बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन थी, तो एक दफ़ा मैं दोबारा से वो चीज़ें सारी की सारी रिपीट कर देता हूँ कि हमने वो सारी चीज़ें कैसे करनी। जो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों को पेज नंबर मार्क करने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ये बॉटम पे जो एम नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर कोई टेक्स्ट नज़र नहीं आता, बिल्कुल जो लिखा भी होता है तो वो भी ब्लैंक हो जाता है। इसके बाद आप ये दूसरे नंबर पे एन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और इसको फॉर एग्जांपल मैंने सेंटर में यहाँ पे करके ड्रैग कर दिया, लेफ्ट जो आपके पास माउस क्लिक होता है उसको प्रेस करते हुए मैंने ड्रैग कर दिया। उसके बाद आप इंसर्ट में जाना है और पेज नंबर जस्ट, अब ये हैश लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपने खुद से कोई नंबर नहीं लिखा, बच्चे गलती ये कह रहे थे यहाँ पे वन लिख देते थे तो वन हर पेज के ऊपर आ जाता था, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं देखना, ये ऑटोमेटिक ही आपका नंबर क्या हो चुका है ऐड हो गया। अब दोबारा एम पे प्रेस करेंगे तो आपको मार, अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक 2 3 होता जाएगा। यहाँ पे खुद से कुछ नहीं लिखना, जस्ट आपने ये कर देना। पहली चीज ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि बच्चों को जो मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमने यहाँ पे पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना, तो दोबारा से इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है और यहाँ से आपने कोई भी पिक्चर जो कि आप यहाँ पे लगाना चाहते थे आप वो पिक्चर क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये पिक्चर इंसर्ट करनी है, इसको हमने इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट आना है, जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है, वो नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए जो बच्चे गलती कर रहे थे वो ये कर रहे थे बच्चा फाइल में जाता था और न्यू कर देता था, इससे न्यू पेज ओपन होता है। हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है, अब जस्ट एंटर प्रेस करते जाओ, ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, आपने काम कर लिया था। एंटर प्रेस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए। ये पेज आपको नीचे शो हो रहा है, हम पेज 2x2 के ऊपर आ गए और इसके ऊपर अगर हम देखें हमें नज़र आ रहा है पेज 2 ऑटोमेटिक लग चुका है। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो कल बच्चे कर रहे थे और इनमें मसला भी था। फिर था इसको डिलीट कैसे कर, डिलीट करने के लिए आपने इस एरो के ऊपर क्लिक किया सबसे पहले, फिर इस पिक्चर के ऊपर आए और राइट क्लिक किया तो इसको आप क्लियर कर दें, या आप इसको क्या कर दें इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ से बैकस्पेस कर दोबारा जाएंगे, ये देखें ये साइन आ गया, आप यहाँ पे बैकस्पेस कर देंगे खत्म। दोबारा एरो से नीचे आपने आना है, मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ, ये एरो का साइन है, एरो के नीचे हैंड टूल है, हैंड टूल के ऊपर आया इसके ऊपर डबल क्लिक किया जितना कि कल हमने किया था और आप यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिक आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी डिलीट हो जाएगी, तो इस तरह हम पिक्चर को भी डिलीट कर सकते हैं। आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ और ये चीज़ जो आज हमने करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे नॉर्मली जो उर्दू कंपोजिंग में रेट चल रहा है पर पेज 20 to 50 रुपीज़ होते हैं, आप किसी भी इदारे के लिए टेस्ट बनवा के दे सकते हैं आप उन लोगों को ऑनलाइन, वो जस्ट आपको पिक्चर लेके भेज दें और आप उसकी कंपोजिंग कर दें, तो अगर वो एक पेज के ऊपर टेस्ट है तो एक टेस्ट की आप उनसे 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। तो आज हम एक टेस्ट बनाना सीखेंगे कि हमने किसी इदारे में काम करना है या किसी इदारे को ऑनलाइन फैसिलिटी देनी है, हम उसके लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट कैसे उनका बना सकते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ द नेम आपके पास इदारे का नाम होता है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में कंट्रोल और स्पेस इकट्ठा प्रेस करना है तो ये लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इदारे का नाम लिखता हूँ, इदारे का नाम था दी एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम, इसको सेंटर में ले आए। उसके बाद एड्रेस पता है तो आप इसका एड्रेस लिख देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं जी ये लाहौर में है। फिर आपको कॉन्टैक्ट्स पता है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमने लिख दिया, ये देखें कॉन्टैक्ट किया ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चा अपना नाम लिख सके तो आप इंसर्ट में जाएं, टेबल में जाएं, हमें 2 रोज चाहिए और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स कर देते हैं वो 8 कर देते हैं, आपके सामने ये आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट कर लें एक दफ़ा और फॉर्मेट में जाते हुए टेबल फॉर्मेट से इनको परमानेंट लाइन सेलेक्ट कर लें ताकि ये प्रिंट में भी लाइन आपको लिखी हुई नज़र आए। सबसे पहले बच्चे का यहाँ पे नेम आना है, देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका रोल नंबर आना है, देन फॉर एग्जांपल बच्चे की क्लास आनी है,
देन फॉर एग्जांपल बच्चे के सेक्शन का आपने ऑप्शन देना है, देन फॉर एग्जांपल आपने सब्जेक्ट का ऑप्शन देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट आप पहले से ही मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यही सब्जेक्ट आपके पास क्या था, फिजिक्स था। देन आपने टेस्ट के टोटल मार्क्स लिखने हैं, आप यहाँ पे मार्क्स लिख सकते हैं। देन आपने यहाँ पे टाइम अलाउड लिखना है, आप बच्चे को कितना टाइम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को देना चाहता हूँ 45 मिनट्स, आप टाइम लिखेंगे। और यहाँ पे आप लोग चाहें तो मार्क्स ऑफ टेन लिख दें, यहाँ पे 23, 7, 22, ठीक हो गया। ये सब को सिलेक्ट करके आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अब इनको आप बड़ा करना चाहें तो थोड़ा सा इनको बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें आपने लेफ्ट क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देना ताकि ये थोड़ा सा अपनी स्पेस ले जाए। और छोटा कर दिया, सब्जेक्ट वाले कॉलम को भी हमने छोटा कर दिया। फॉर एग्जांपल मार्क्स हमारे पास थे टेस्ट के 30 मार्क्स का, हमने एक टेस्ट बनाना है यहाँ पे। अब अगर क्लास मेंशन करना चाहें तो फॉर एग्जांपल क्लास थी 9 और सेक्शन था फॉर एग्जांपल था ग्रीन, या आप सेक्शन एबीसी देना चाहें तो ए लिख दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। वो इदारे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिखना तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बच्चा नेम लिख लेगा, यहाँ पे बच्चा रोल नंबर अपना मेंशन कर देगा, इतनी स्पेस है। तो इसको इस तरह करना है, फिर आपने इस नेम को भी सेटिंग कर लें। अगर आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी करके और F10, कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो इस नेम का जो फॉन्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आप फॉन्ट को थोड़ा सा स्टाइल को भी चेंज कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसके फॉन्ट के स्टाइल को थोड़ा सा वेरी कर देते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में एक ही स्टाइल होता है, लाहौर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और ये आपके पास कंटेक्ट भी क्या हो गया, इसको भी थोड़ा सा आपने बड़ा कर दिया। और इस तरह आपके पास अब ये जो मेन लेआउट है, आपके पास ये लेआउट एक बन जाएगा उसी तारे के लिए। अब यहाँ पे आपने उस बच्चे को क्वेश्चन असाइन कर लिए, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल आल्ट आर से इस तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे अब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था सवाल नंबर 1, ठीक है। ये 1 लिखने के लिए आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास पैटर्न इस तरह है कि हमने बच्चे को एम सी क्यूज देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग देने। तो पहले एम सी क्यूज के लिए हम कहते हैं दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, हमने बच्चे को दुरुस्त जवाब। अब यहाँ पे मैंने बच्चे को एम सी क्यूज देने, तो उसके लिए मुझे चाहिए टेबल। तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, इंसर्ट टेबल में जाता हूँ, मुझे एक रो चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 8 कॉलम्स जनरेट कर देता हूँ, ये देखें आपके सामने ये बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शंस देने, आप ऑप्शन इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं। मैं इनकी एक मार्जिन सेट कर रहा हूँ, एक छोड़ के एक आपने करते जाना ताकि यहाँ पे हम ऑप्शन दे सकें बच्चे को, क्योंकि हमने बच्चे को ऑप्शन क्या दिया होगा। अब ए बी सी भी दे सकते हैं, अलिफ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन अलिफ, दूसरा ऑप्शन बे, तीसरा ऑप्शन डी और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया था, ठीक है। सिर्फ उर्दू मीडियम का टेस्ट आज सीख रहे हैं, कल इंशाल्लाह उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों का कंबाइंड टेस्ट भी सीखेंगे, हमने कैसे बनाना है। कंट्रोल ऑल सी से इसको सेंटर में कर दे, और ऑप्शंस को अगर बोल्ड करना चाहें तो आप इनको बोल्ड भी कर दें। ये ले जी बोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इंग्लिश लैंग्वेज करके नंबर 1, जी हमारा ये 1 नंबर था। अब चूंकि बार बार ये चीज, अब इन ऑप्शंस को चाहें तो आप चाहते हैं कि बॉक्सेस प्रिंट में आए, तो फिर आप प्रिंट में लाने के लिए इसको फॉर्मेट में जाके आप टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपके पास ओके हो गया। अब ये बॉक्स भी आपके पास जो लाइन्स लगी होंगी ये प्रिंट के अंदर आएंगी। अब बार बार ये टेबल बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो आपने क्या करें, जैसे इसको सेलेक्ट करें, देखिए ऊपर थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट होना चाहिए इस तरह भी, कंट्रोल सी करें और नीचे कंट्रोल वी करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमने 6 एम सी क्यूज देना था, तो मैंने ये 6 एम सी क्यूज की जगह बना दी, आपके सामने आ गई है ये, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। नंबर देते जाएं, और ये मैंने 6 तक नंबर दे दिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एम सी क्यू लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एम सी लिखता हूँ, जमीन की दूनी ताकतों का मुतालिया कहलाता है, ये आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। अभी आपके पास लेआउट है, आप
पहले एक जर्नल खाली ब्लैंक लेआउट बना के उसकी एक कॉपी बेहतर है कि आप सेव कर लिया करें, नीचे आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी ब्लैंक फॉर्मेट बना ले, लॉन्ग के लिए भी बना ले, बल्कि मैं आपको पहले बनाना ही सिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि हमने काम करना कैसे है, आप इसमें बार बार आपको ये काम ना करना पड़े। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं सवाल नंबर दो की, दो को हम इंग्लिश में लिखेंगे, वो ये है कि दरअसल सवाल आपके मुख्तसर जवाब लिखिए, आ गया। अब इसमें भी आपको आसान तरीका बता देता हूँ, टेबल में जाएं और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमने टोटल 8 सवाल देने हैं, तो हम 4 रोज कर लेते हैं और 4 ही कॉलम्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देने हैं, क्वेश्चन के नंबर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ये देखें। परमानेंट करना चाहते हैं ये लें जी, हम इसको परमानेंट भी कर देते हैं ताकि ये प्रिंट में लाइंस भी लगी हुई आए, ठीक हो गया। आपके सामने इसको ओके किया, अब यहाँ पे कंट्रोल आर्ट सी से मैंने इस हिस्से को भी सेंटर में कर दिया और इसको सिर्फ सेलेक्ट करके कंट्रोल आर्ट सी, यहाँ पे जो भी लिखूंगा इसको बोल्ड भी कर दें ताकि नंबर मेरे पास बोल्ड भी हो, कंट्रोल बी कर दिया। अब आपके पास पहला सवाल, यहाँ पे तीसरा आएगा, यहाँ पे पांचवा आएगा और यहाँ पे सातवां आएगा, सेम यहाँ पे दूसरा सवाल आएगा, यहाँ पे चौथा आएगा, यहाँ पे छठवां आएगा और यहाँ पे आठवां सवाल आ जाएगा। ये 8 का आपके पास बन गया। अब 8 के जो मार्क्स लिखने हैं, हमें पता है 8 ضرب 2 बराबर होते हैं 16 के, हमने इनके 16 मार्क्स भी लिख दिए, इसको चाहें आप बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा भी कर दें ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे मुख्तलिफ सवाल आते हैं। सेम यहाँ पे 6 थे, हमें पता है 6 ضرب 1 बराबर होता है 6 के, तो इसको भी अगर आप थोड़ा सा बोल्ड करके, ये मेरे पास एक फॉर्मेट बन जाएगा किस फॉर्मेट के ऊपर हमने काम करना है, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आखिरी सवाल लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, इसको हिसन शाया लिख लें या कुछ भी लिख लें, तो सवाल नंबर 3, अब इसके फॉर एग्जांपल हम 2 पार्ट दे देते हैं, दरअसल सवाल आपके तफसीली जवाब, ठीक हो गया। और हमारे पास 22, ये 8 नंबर इनको निकाल लें फॉर एग्जांपल, इनके हम कहते हैं 4 × 2 = 8 मार्क्स हमारे पास ये बनते हैं, डन हो गया। नीचे आ जाए, यहाँ पे भी मैं ए और बी 2 पार्ट देने हैं, तो यहाँ पे 2 रोज चाहिए और हमें कॉलम्स चाहिए बी इनफ है, 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ पे इसको भी बोल्ड करना चाहें तो पहले तो टेबल फॉर्मेट से इसको परमानेंट कर लें ताकि प्रिंट में लाइंस भी हैं, सिर्फ इस हिस्से को मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल आर सी कंट्रोल बी, यहाँ पे मेरे पास ए पार्ट है क्वेश्चन का और यहाँ पे क्वेश्चन का बी पार्ट है, और इसको आप क्या कर दें, ये देखें ये हमारे पास क्या बन गया। अब ये देखिए एक फॉर्मेट बन गया, इस फॉर्मेट को आप हमेशा के लिए सेव कर लें बाकी सब्जेक्ट के लिए भी, और ये आपने जब भी 30 नंबर का टेस्ट बनाना है तो आप लोगों के पास क्या होगा, ये फॉर्मेट पड़ा हुआ होगा। अब नीचे कुछ भी लिखना चाहें, फर्दर इदारे का नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं, यहाँ से पेज नंबर ख़त्म करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप टॉप के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, इसके लिए दोबारा एम पे जाएंगे, आप देखें ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, फिर एन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एन पे जाने के बाद इसके अंदर सेलेक्ट किया, इंग्लिश में लिखना है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल रेगुलर सिस्टम फॉर ईयर 2020, कंट्रोल आल सी से सेंटर में लिए। अब ये वाला जो मैंने लिखा है, इस तरह जो हम लिखते हैं ना, ये हर पेज के ऊपर आता है। अब चूंकि ये नीचे इसमें परमानेंट लाइन मौजूद नहीं है, ये आपको आपके पास हो सकता है कि टेक्स्ट के साथ मर्ज कर दे, उससे बचने के लिए ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लें, ये लाइन पड़ी हुई है, इस लाइन को आप यहाँ पे क्या कर दो ड्रॉ कर, ये लाइन जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ की तो अब ये लाइन भी प्रिंट में आना शुरू हो जाएगी हर पेज के ऊपर। दोबारा एम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो मैंने लिखा था ये अब हर पेज के ऊपर आएगा। अब देखें जब हमने एम को ख़त्म किया था ना, तो उसके बाद हैंड टूल सेलेक्ट कर लें ताकि ये यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया आ जाए। अब पेज नंबर 2 पे मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी देखें यही आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह जो चीज़ लिखते हैं वो हर पेज के ऊपर आती है।
अब यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल एक आध एमसीक्यू मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले एमसीक्यू लिखते हैं, जमीन की अंदरूनी रास्तों का मुतालिया कहलाता है। नीचे ऑप्शन दे दें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑप्शन है प्लाज्मा फिजिक्स, दूसरा ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल है जियो फिजिक्स, तीसरा ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिजिक्स, और चौथा ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल आता है एटॉमिक। ये आपके पास ऑप्शन आ गया। अभी आपको ये बाजार लग रहा है कि ये नजर नहीं आ रहा न्यूक्लियर फिजिक्स ये लिखा जा चुका है, इसको देखें जरा, सिंपल सा तरीका है, इसको मैं 200 पे लेके जाता हूँ आपको ये नजर आ जाएगा। दोबारा मैं 100 पे ले जाऊँ जो हमारा साइज होता है, मैंने नीचे से साइज चेंज किया इस जगह से, ये देखें दोबारा साइज, ठीक है। तो समटाइम्स आपको लगेगा कि वो डल सा हो गया, जितना न्यूक्लियर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो लिखा जा चुका होता है। पोजिशन में तब्दीली के लाती है, एक और एमसीक्यू लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ स्पीड वेलोसिटी एक्सलरेशन, या कुछ भी ऑप्शन। अब देखें एक्सेलरेशन वेलोसिटी डल हो गया, लेकिन ये लिखा हुआ है, इसको चेक करने का तरीका अगर करना है तो नीचे जाना है यहाँ पे मैं इसको 200 कर देता हूँ, तो ये आपको नजर आ रहा है, तो इस चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके पास लिमिटेड वर्जन होते हैं, इनके ऊपर कोई अपडेट्स इन पेज पे हुई नहीं है ज्यादा, इस वजह से ये मस्त है। और इन पेज के ऊपर आप उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में भी टेस्ट बना सकते हैं। फर्दर मैं आपको वर्ड के ऊपर भी सिखाऊंगा कि हमने सेम इसी तरह उर्दू और इंग्लिश कैसे लिखी है, तो वो उस पर काम करना ज्यादा कन्वीनियंट है, आपको मजा भी आएगा। इस तरह आपने क्या करनी है, अच्छी एमसीक्यूज लिख लेने, लेकिन कोशिश करनी है जो खाली फॉर्मेट मैंने बनाया था ना उसको आप कहीं ना कहीं सेव रख लें अपने पास, उसमें आपको क्या होगा बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखने, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास आता है आप प्लाज्मा फिजिक्स की तारीफ करें, ये लें जी पहला सवाल लिख दिया, नीचे तीसरा सवाल लिख दें एटॉमिक फिजिक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आते हैं बुनियादी यूनिट्स क्या होते हैं, इस तरह आपके पास क्या आता जाएगा, ये टेस्ट बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे स्पीड की तारीफ करें, फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछता है डायनेमिक्स क्या है, न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून बयान करें, आपके पास आता है वेलोसिटी करें, और फॉर एग्जांपल आपके पास आता है कि आप डिफाइन कर दें फोर्स को, फोर्स की तारीफ, ये आपके आप ये शॉर्ट क्वेश्चन 8 के 8 लिखेंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, फॉर एग्जांपल आता है हरकत की दूसरी मसावात असज करें, और ठीक है इस तरह का आ सकता है। फिर आपके पास ये हो सकता है कि एक, अब अगर आपने न्यूमेरिकल देना है एक, अब इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में चले जाएं, 147 न्यूटन के जिस्म पर का मास क्या होगा जबकि वी की कीमत 10 ms-2 है। या मैं लिख दिया, अब मुझे पता है ये ms-2 पावर है, इसको हमने किसी ना किसी तरह ऊपर लेके जाना, इसको सेलेक्ट करें -2 को, आप कंट्रोल पे जाएंगे और इसको आपको नजर आ रहा है f7 के साथ आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर ऊपर चली गई, ठीक है। रेज की पावर -2 ये वाली वैल्यू ऊपर दी, ये ऊपर हम लेके तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये आपका एक सिंपल सा टेस्ट आप इस तरह बना, यहाँ पे आप चाहते हैं 9th के इस TH को भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये भी सेम आप F7 के साथ ऊपर लेके जाते हैं, और अगर कोई वैल्यू नीचे लेके आनी हो तो वो F8 के साथ इस तरह नीचे भी आ जाती है, हमें चूंकि 9th ऊपर ही अच्छा लगता है तो हम इसको ऊपर लेके जाने के लिए F7 हमने प्रेस किया, तो कंट्रोल के साथ ही आप लोगों ने प्रेस कर। इस तरह आप लोग कोई भी एक टेस्ट बना सकते हैं, अब कोई भी असाइनमेंट दी जाती है आप ज्यादा ना लें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इदारे को कहते हैं आपका उर्दू मीडियम का जो टेस्ट है वो मैं आपको 20 रुपए में एक टेस्ट बना के दूंगा,
ठीक है, और एक पेज पे अगर वो आता है तो एक पेज के 20 रुपये भी आप लें, तो आप डेली के ज्यादा ना, ठीक है, आप सिर्फ 20 टेस्ट भी बना लेते हैं मेरे ख्याल से, अगर फॉर्मेट बना हुआ तो ये मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लेता है एक टेस्ट, आपकी टाइपिंग स्पीड भी अगर थोड़ी सी बेटर हो तो 5 मिनट में आप 20 रुपये कमा सकते हैं, और आप डेली के ज्यादा से ज्यादा 20 टेस्ट भी बने, ज्यादा एफर्ट ना करें तो आप 400 रुपया बड़े मजे से डेली का कमा सकते हैं। और ये आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपने फेसबुक टाइमलाइन पे आप लोग दें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में देंगे जी, आपको हम जो बाहर का रेट है उससे कम रेट पे आपको हम टेस्ट कंपोजिंग की फैसिलिटीज दे सकते हैं, और उसमें कोई एरर भी नहीं होगा वो सारी चीजें, और डेफिनेटली ये चीज उनको पसंद भी आएगी, तो आप इस तरह यहाँ से इसको एज अ अर्निंग सोर्स भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बल्कि आप अपना काम कर सकते हैं। आप क्या करें, आप कोई से मॉडल पेपर्स पकड़ें और आप एक टेस्ट बना लें, ठीक है, आप पहले वर्क कर लें, आप कोई से 2-3 सब्जेक्ट्स को पकड़ के उनके उर्दू मीडियम पे, या आपको जब कल मैं सिखाऊंगा उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों, वो दोनों काम करें, आप टेस्ट उनके बना लें, आप इदारों को वो टेस्ट सेल करें कि जी आपके टेस्ट सेशन को मैं मैनेज करता हूँ, आपको टेस्ट मैं बना के दूंगा, और वो क्वालिटी टेस्ट होंगे तमाम सब्जेक्ट्स के, आप टेस्ट बनाएं और उनका एक स्टैंडर्ड रखें। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश करें 30 नंबर से कम का पेपर ना, और जो डेली टेस्ट होते हैं हमारे, और 45 से ज़्यादा का ना। जब हमारे फुल बुक टेस्ट बनते हैं तो फुल बुक टेस्ट में ये होता है कि वो जितने मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड में उतने, तो आप उन मॉडल पेपर्स को आप जस्ट कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे ना, तो आपका एक बड़ा इफेक्टिव टेस्ट बनता है। फिर आप अपने नोट्स कंपोजिंग की तरफ आ सकते हैं, सारे MCQs कंपोज कर लें, आप सिंपली 400-500 रुपया तो बड़े मजे से कमा सकते हैं। अभी हम जब वर्ड में जाएंगे तो आपको CV के मैं फॉर्मेट्स दूंगा, आपने CV बनानी है, और CV के जो नॉर्मली चार्जेस लिए जाते हैं ना वो 100 रुपये तक लिए जाते हैं, 150-200 भी लेते हैं, आप 50 रुपये लें जी, आप CV बनवाएं सिर्फ 50 रुपये, आप डेली के 10 क्लाइंट्स को भी कैच कर लेते हो तो आपका डेली का 500 रुपया बनता है, तो महीने में आप लोग कहाँ पे जाते हैं। तो ये कोई 20-30 हज़ार कमाना तो कोई बड़ा मसला ही नहीं, ऑनलाइन जब आपके पास हुनर हो आप ये सारी चीज़ें अर्न कर सकते हैं, ये कुछ मुश्किल काम भी नहीं है। अब आपके साथ पास होता कि एक दफ़ा डेली टेस्ट सेशन बन गया होगा, आप एक इदारे तक ही लिमिटेड नहीं है, मुख्तलिफ इदारों को यही टेस्ट सेशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप अपने स्कूल में क्या ज़रूरत है कंपोजर को बिठाने की, रात को 1 घंटा लगाएं आप अपने टेस्ट कंपोज कर, तो आपका वो जो है एक तो आपकी बचत हो जाती है, दूसरा आप इसको अगर सेल आउट करते हैं बाकी तो आप इससे एक सोर्स ऑफ अर्निंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों के जो असाइनमेंट होगी, एक जो असाइनमेंट मैंने दी थी आप लोगों को जो मंडे को सबमिट होनी है, उसमें मैंने आपको कायदा उर्दू और इंग्लिश का बनाने के दिया था, इंशाल्लाह वो मंडे को आप लोगों से मैंने क्या करनी है सबमिट करनी है, और उसका मैंने वो लिंक भी दे दिया, तो उस लिंक पे आप लोग अपलोड करेंगे। लेकिन अगर किसी की कोई रीज़न है, फॉर एग्जांपल अभी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ बच्चे उनके पेपर्स हो रहे हैं या कुछ बिजी हैं, तो वो उसको वो वीकेंड के ऊपर या डिले भी कर सकते हैं, इसमें इतना सच इशू नहीं है, लेकिन असाइनमेंट होनी चाहिए, एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके तमाम असाइनमेंट्स कम्प्लीट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, कोशिश करनी है आपने वीडियोज़ को मुकम्मल देखना, कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये रोल नंबर्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, मैंने आपको क्लियर कट कहा हुआ है कि आप लोगों के जो रोल नंबर्स होंगे अगर किसी को नहीं मिले तो मैं संडे तक उनको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों ने जो अटेंडेंस मार्क करनी है वो भी मैं बार बार बता चुका हूँ कि यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग क्या करेंगे, अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे, वहाँ पे कमेंट्स में आप अपना रोल नंबर लिख लें, नाम लिख लें, कोई इसमें मुझे मसला नहीं, आपकी अटेंडेंस वहाँ से डेली बेस पे मैं उसको काउंट कर रहा होता हूँ। और जो एबसेंट होंगे, मतलब 3-4 लेक्चर में अगर एबसेंट हो जाते हैं तो फिर उनको ऑटोमेटिकली उनके जो ग्रेड्स होंगे उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो कोशिश करनी है आपने इन पूरी चीज़ों को लर्न आउट करना है और अच्छे तरीके से करना है, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछेंगे, फिर इनको आप शेयर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, और वीडियोज शेयर करें किसी के साथ, इसमें मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं। आप किसी और को सिखाना चाहते हैं जो काम आप सीखते हैं तो मेरे लिए खुशी का बायस ही होगा, और आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख्याल रखना है, इस पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाना है, क्योंकि ये जो भी काम किया जा रहा है ये मेरी यही कोशिश है, इस पाकिस्तान के लोगों को इस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के दें, कल ताकि कल को अगर आप लोग याद करें तो कम अज़ कम ये कहें कि हाँ इसने इस मुल्क के लिए कुछ किया। और जितनी दुआएं कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे वाल साहब के लिए जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, इल्तमास है आप सब लोगों से कि उनके लिए फातिहा पढ़िएगा, पाकिस्तान के लिए हमेशा मुस्बत रहिएगा, बेशक हम लोग मुश्किल में हैं लेकिन इसके बारे में हमने कभी नेगेटिव नहीं होना। और सवाल किया करें अपने आप से जब शाम को घर पे आते हैं ना, आज आपने कौन सा अच्छा काम है जो किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।